हम आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे हम सिंपल कॉन्स्टिपेशन है तो ठीक कैसे करें उसको। तो कॉपर वेसल में हम पानी पियेंगे, रात में रख लेंगे कॉपर वेसल में पानी और फिर उसको सुबह उठ के लुक वार्म करेंगे और फिर उसको पानी को पियेंगे। फिर जब ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट से पहले हमें तिल का लड्डू लेना है, उसमें 1/4 जो है अलसी होगा और हाफ जो है ग्राउंडनट होगा और गुड़ का बना हुआ लड्डू होगा, वो खाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम स्प्राउट्स खाएंगे, फिर उसके बाद कच्चे, और फिर उसके बाद जो भी दलिया, फाइबर वाला दलिया, चाहे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मिक्स दलिया, उसमें थोड़ी दालें ऐड कर सकते हो, मूंग दाल फाइबर वाली, और फिर इस ढंग से आप खा सकते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। यस, घी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम घी को अवॉइड करते करते हम अपनी आंतों को पूरी सुखा देते हैं, इसलिए घर का गाय का घी डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह मत डालो, लेकिन घी ज़रूर से ऊपर से डालना है, घी का छोंक नहीं लगाना है, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद कौन कौन से फ्रूट्स हम इंक्लूड करें, वो है ग्रेप्स, फिर मैंगो, बेल, पपाया, अनार, रेड गुआवा या पका हुआ गुआवा भी चलेगा। तो इस ढंग के फ्रूट्स, जो फिग्स, जो भी आपको फ्रूट सीजनल अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लंच में सलाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बीच में सलाद खाने के बाद फिर जो भी आप लंच कर रहे हैं वो उसको करने के बाद बटर मिल्क ज़रूर लें, वो हेल्प करता है डाइजेशन में। और बटर मिल्क कौन सा, दही का छाछ नहीं बनाना है, लेकिन जो मक्खन निकलता है जिससे उसका छाछ बनाना है। और अगर आपको सर्दी रहती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़े गरम मसाला लाइक ब्लैक पेपर का पाउडर और ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, तो उसका तासीर ठीक हो जाएगा। और डिनर में 5 बजे तक डिनर आप कर लें, और फिर उसके बाद रात में सोने के पहले दूध में इसबगोल के साथ दूध ले लें, या फिर आप गरम गरम दूध में मुनक्का डाल लें 10 मुनक्का और फिर दूध पिए, तो आई एम श्योर इससे आप कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। यस, पानी का ध्यान रखें, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए और सिप बाय सिप पिए, ज़्यादा पानी पिए। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हम कॉन्स्टिपेशन ठीक रखें अपनी। तो रोज़ हम जब पानी पिएंगे, तांबे के लोटे का पानी पिएंगे जब, तो हम उसके बाद ये 3 एक्सरसाइजेस करें। पहला है तड़ासन, दूसरा है त्रियक और तीसरा है कटी चक्रासन। ये 3 एक्सरसाइज 10-10 times करें, और फिर आप जब जाएंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और हफ्ते में एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डालें पानी में 1 लीटर, उसको थोड़ा लुकवॉर्म करें और उसको अच्छे से मिक्स करें नमक को, और फिर वो पानी पी करके तुरंत पानी पीना है उसको। वैसे हमें तुरंत नहीं पीना चाहिए, घुट घुट करके पीना चाहिए, पर इसमें तुरंत पानी पीना है। और फिर से आपको तड़ासन, त्रियक तड़ासन और फिर कटी चक्रासन जब आप करेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, लेकिन हाई बीपी वाले इसको ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा जो है लघु संघ प्रक्षालन, आप किसी भी योगा टीचर के साथ सीख सकते हैं और वो करेंगे तो बहुत अच्छा है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करते हैं तो उससे आपका हमेशा पेट अच्छा रहेगा, साफ रहेगा। अब हम जो है रेगुलर एक्सरसाइजेस जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ 5 एक्सरसाइज करना है और कुछ प्राणायाम करना है ताकि आपका हमेशा पेट ठीक रहे। उसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है उत्तान पदासन, सेकेंड है चक्रा पदासन, थर्ड है पदा संचलासन, फोर्थ है नौकासना, फिफ्थ है सुप्त पवन मुक्तासन। ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा कपाल भारती करें, अग्निसार क्रिया करें, आई एम श्योर इससे आप हमेशा जो है कॉन्स्टिपेशन फ्री रहेंगे। ओम शांति।